अब राजधानी रायपुर से है, जहां कांग्रेस पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज का एक बयान सामने आया। बता दें कि पीसीसी चीफ दीपक बैज ने अपने बयान में कहा कि पूरे प्रदेश में हम लोग का प्रचार चल रहा है और पहला और दूसरा चरण का मतदान जिस तरीके से हुआ उससे बेहतर रहेगा। उन्होंने कहा कि तीसरे चरण का मतदान कांग्रेस के लिए माहौल बना रहा है। बीजेपी के नेताओं के बयान से ये स्पष्ट है कि बीजेपी चुनाव बुरी तरह से हार रही है। इस समय जनता ने ठान लिया है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बाहर करना है और कांग्रेस को जिताना है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर डिप्टी सीएम साव के बयान पर पलटवार करते हुए बैज ने कहा कि राहुल गांधी देश के नेता है, वो चाहे देश के किसी भी सीट में चुनाव लड़ सकते हैं। इस मामले में अरुण साव का बयान कोई मायने नहीं रखता। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट जीतने को लेकर दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से ज्यादा सीट कांग्रेस जीतेगी और जनता ने यह तय कर लिया है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में इस समय 2024 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। फिगर बता सकते हैं? मैं बता रहा हूँ, फिगर का आकलन तो जनता ने तय कर लिया है, मुझे बोलना ठीक नहीं है। जनता ने तय कर लिया और इस समय कांग्रेस के पक्ष में जबरदस्त माहौल है। कांकेर की बात करें या महासमुंद की बात करें या फिर राजनांदगांव की बात करें, तीनों सीटों में कांग्रेस पार्टी बेहतर प्रदर्शन की है और इसका रिजल्ट 4 जून को मिलेगा और हम ये तीनों सीटें भी हम जीत रहे हैं। पहला चरण का मतदान हुआ जिस हिसाब से, सेकेंड चरण का मतदान हुआ उससे बेहतर कांग्रेस के लिए माहौल रहेगा ये तीसरा चरण, जहां 7 सीटों पर चुनाव होना है।